गणपति बप्पा ओरिया ओरिया गणपति के रे अमाला मंगेशा क्या करना है पानी चाहिए गणपति बप्पा मोरिया गणेश जी आपके यहाँ गणपति जी हर साल आते हैं तो मुझे बताइए पहले कितने साल से आ रहे हैं और कब से गणपति रख रहे हो कितने दिन के गणपति बचपन से जब से मैं स्लम एरिया चाल में रहता हूँ तब से मैं गणपति लाता हूँ और अभी तक है जब तक रहूँगा तब तक गणपति जी आएंगे और 7 दिन के गणपति होते हैं और बहुत इमोशनली हम लोग गणपति को लेके आते हैं दिल से लेके आते हैं बहुत सेवा करते हैं प्यार से और जब से विधि आई है हम लोग की शादी हुई तब से और ही हम लोग बहुत मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं और आज विसर्जन है गणपति जी का 7 दिन का बहुत इमोशनली हम लोग बहुत ऐसे कि जा रहे हैं हमारे घर से गणपति विधि जी आप क्या कहेंगे आपको मज़ा आ रहा है बहुत ही मज़ा आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव वाइब छोड़ के जा रहे हैं मगर दिल दुख भी हो रहा है कि वो जा रहे हैं पर क्या करें कहते हैं कि जब जाएंगे तभी तो अगले साल वापस आएंगे इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें वेट है उनका हमें वेट रहता है हमेशा उनका और कहते हैं कि जब महाभारत लिख रहे थे उस वक्त उनका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि महर्षि जी जो लिखवा रहे थे उनको उन्होंने बाजू की नदी में विसर्जित किया था तब जाके कहीं वो शांत हुए थे तो ये वही प्रोसेस हम दोहरा रहे हैं correct. तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपने रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं तो इसके लिए क्या कहेंगे नहीं रूट्स तो पहले से यहीं पे है हिंदुस्तानी मट्टी में जन्म लिया यहीं पे जाना है और ये इसकी जब खुशबू आती है तब हमको बहुत अच्छा लगता है ये खुशबू कभी छूटनी भी नहीं चाहिए हम हमारी माँ है ये और पापा हमारे साथ में है तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये इसको जुड़ते रहेंगे और हमेशा जुड़ते रहेंगे आप क्या बोलेंगे प्रसाद क्या बनाया है आज आज सीरा बनाया है दूध वाला मोदक है मोदक है इकड़ी के मोदक है पूरन पोली है जो उनकी, उनको उनकी पसंद है पापा की पसंद है सब वो बनाया हमने तो एक बार फिर से हम गणपति जी का जयगान कर लेते हैं गणपति बप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर थैंक यू वेरी मच